पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन अगले 3 माह के भीतर सोलर पावर से लैस होगा, जिसका उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह से पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सत्रोदन वैश्य, प्रोफेसर अजय शुक्ला, पूर्व चीफ प्रॉक्टर ओपी पांडे, प्रोफेसर केशव सिंह, डॉक्टर हर्ष सिन्हा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि प्रशासनिक भवन के बाद जल्द ही पूरे विश्वविद्यालय और हॉस्टल को सोलर पावर से लैस किए जाने का लक्ष्य है। दो आए होंगे, सभी लोगों ने प्रॉपर सम्मान दिया है। स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहती है। अच्छा, ये सब चीज हो जाए और कॉलोनी में भी लग जाए सर, पैसे ही पैसे की बचत है। करेंगे लेकिन वो एम्पिनिटी कितनी मिल रही है वो देख रहे हैं सोलर के बारे में। पंडित जी नारियल भी है, नारियल भी ओम हरि ओम हरि ओम स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति ना पूषा विश्वपिता स्वस्ति नस्ताक्ष हरिओ वरिष्ठनी स्वस्ति नो बृहस्पति तरंतरिक्षम माता सपिता सपुत्र विश्वी देवादिति पंच जना ोषय शांति वनस्पत शांति पशुभ्य शांति शांति शांतिर्भवितंगी समस्तभी तत्व प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु शुक्लांबर धर्म विष्णु शशि वरण चतुर्भुज प्रसन्न बदनम ध्यान निधीनापतिर्भुंगवामहे वसु मम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमस्थैसुतामत्मति शुभां ददासि दारिद्र दुःख वारिणि कातुधन्या सर्वोपकारिकः। ओम मंगल भगवान बस सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत है कि अधिक से अधिक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी है जो कि बहुत मात्रा में नहीं है, जो कि नहीं भी है, तो वो जो है कम से कम उपयोग हो और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो प्रकृति के द्वारा दी हुई ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जाए। और अब तो काफ़ी सस्ता भी हो गया है और ये हमारे जो जो हमें बिजली मिलेगी सोलर एनर्जी के द्वारा, वो जो हमें अभी बिजली मिल रही है उसके आधे रेट पर मिलेगी और ये रेट करके फिक्स हो गया है जो 20 साल तक यही रेट रहेगा। उम्मीद ये है कि हम करीब करीब 1/3 जो हमारा खर्चा है बिजली पे उससे हम इसकी बचत कर सकेंगे, विश्वविद्यालय के रेवेन्यू बढ़ेंगे। सर कब तक प्लांट ये पूरा तैयार हो जाएगा? ये 3 महीने के बाद शुरू हो जाने की संभावना है, 3 महीने में सब लगेगा, 3 महीने के अंदर ही ये अपना
हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी परिवार। अभी तो हम एक बिल्डिंग से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे और हम आवासीय क्षेत्रों में हॉस्टल में भी ले जाएंगे। तो एक साल के अंदर उम्मीद है कि पूरा हमारा परिसर आवासीय और हॉस्टल से लेते हुए पूरा परिसर सौर ऊर्जा से लाभान्वित होगा।